प्रदूषण की समस्या आज मानव समाज के लिए एक सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, जिसने भविष्य में जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, वैसे तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण का एक प्रकार जिसे हम स्मॉग के नाम से जानते हैं, आधुनिक युग में एक गंभीर समस्या बना हुआ है। यह कितना खतरनाक रूप ले सकता है, आपने राजधानी दिल्ली में तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 दिसंबर 1952 को लंदन में इसी प्रकार के स्मॉग में लगभग 12,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, और उस स्मॉग के बनने का कारण को पता लगाने में लगभग 64 वर्षों का समय लगा। द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के नाम से जाना जाने वाला एक अजीब और भयानक धुंध, रंग में पीला काला जैसा लंदन के मूल निवासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। स्मॉग का गंध इतना रासायनिक और विषैला था कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था। यह सब कुछ 5 दिसंबर से कुछ दिन पहले शुरू हुआ, जब लंदन में सामान्य से ज़्यादा सर्दी पड़ी, जिसके कारण लोगों को अपने घर को गर्म रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जलाना पड़ा। नतीजतन सामान्य से ज़्यादा धुआं वातावरण में घुल गया। अधिक ठंड और स्थिरता के कारण पूरे लंदन शहर में एटमॉस्फेरिक एंटीसाइक्लोन जैसी परिस्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण पूरे शहर को धुएं के विशाल बादल ने अपने चपेट में ले लिया। धुएं का धुंध इतना ज़्यादा था कि विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर हो गई, जिसके कारण लोगों ने सड़कों के बीच ही अपने वाहनों को छोड़ दिया। धुंध इतना ज़्यादा हो गया था कि लोगों के लिए चलना तक मुश्किल था। उस वक्त के जहरीले वातावरण के कारण लोगों को कई प्रकार के स्वास्थ्य प्रभावों का सामना करना पड़ा, जिसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हाइपोक्सिया, ब्रोंकाइटिस और ऐसे ही कई प्रकार के स्वास्थ्य प्रभावों के कारण लोगों की मृत्यु होने लगी। मौत की संख्या जल्द ही 12,000 तक पहुंच गई। बाद के एक अध्ययन से पता चला कि धुएं में सल्फ्यूरिक एसिड होने के कारण इतने पैमाने में लोगों की मृत्यु हुई। वास्तव में सल्फ्यूरिक एसिड वातावरण में आया कहां से, यह 64 वर्षों तक एक रहस्य बना रहा। नवंबर 2016 में वैज्ञानिकों के एक टीम ने इस रहस्य का समाधान किया और दावा किया कि सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादातर कोयला जलाने से उत्पन्न होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे बदला, यह अभी भी एक प्रश्न था। बाद के वैज्ञानिक शोध में पता चला कि इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्रारंभिक प्राकृतिक धुंध से मदद मिली। लंदन के इस घटना ने यूके के संसद को प्रदूषण पर कानून बनाने में मजबूर किया और यूके ने 1956 में क्लीन एयर अधिनियम लागू किया, जिसके अनुसार पूरे यूनाइटेड किंगडम में पूर्ण रूप से प्रदूषक चलाने पर प्रतिबंध लग गया। वैज्ञानिक अब उम्मीद कर रहे हैं कि लंदन के ग्रेट स्मॉग पर उनके शोध से अन्य पर्यावरणीय सफलताएं होंगी और उच्च वायु प्रदूषण दर वाले देशों में समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे नए वीडियो देख सकें सबसे पहले। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।